नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत है। लगातार 3 दिनों से बारिश होने के कारण बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के निचले इलाके के विद्यालय में पानी ही पानी नज़र आ रही है। विद्यालय के छात्र छात्राओं के विद्यालय जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मालूम है कि बेलदौर प्रखंड क्षेत्र की प्राथमिक विद्यालय बारून के खेल मैदान में पानी ही पानी नज़र आ रही है। यहाँ तक कि पानी होकर विद्यालय के शिक्षक हो या शिक्षिका समेत छात्र छात्राओं को आवाजाही करना पड़ रहा है। वहीं पचौत पंचायत के मध्य विद्यालय भरना के खेत में मैदान में बारिश का पानी फंस गई है। कुंभकर्ण की नींद में सोए जनप्रतिनिधि का ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। उक्त विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या 617 बताया जा रहा है। वहीं बारिश होने के कारण उक्त विद्यालय में करीब 250 छात्र छात्राएँ विद्यालय पहुँचे, लेकिन आवाजाही करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कहा कि मेरे पंचायत की जनप्रतिनिधि के लापरवाही के चलते विद्यालय में पानी फंसी हुई है। जल निकासी नहीं रहने के कारण करीब 1 सप्ताह तक विद्यालय में पानी फंसा रहता है। हम लोगों को आवाजाही करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रखंड क्षेत्र के निचले इलाके के विद्यालय में शिक्षकों को कीचड़ होकर विद्यालय जाना पड़ता है। उक्त विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक संतोष कुमार ने बताया कि जब जब बारिश होती है तो मेरे विद्यालय के खेल मैदान में पानी फंस जाती है। पानी फंस जाने के कारण छोटे छोटे छात्र छात्राओं को होती है परेशानी।